प्रथा तो खत्म हो गई, सती प्रथा में। ये हमारे लदुड़ा के नौजवान देखो, 50 किलो के कट्टे ऐसे ले जाए। 50 किलो थोड़ी है यार, हर का 50 किलो है। अग्निवीर इनके लिए क्या है, अगर बॉर्डर पर इन्हें भेजा जाए तो ये पाकिस्तान के चाइना वालों को भी फतेह करके आ जाएंगे। चाइना कहाँ यार, आजकल के युवा नशे में ज्यादा हो गए यार, नशे की तरफ झुकाव हो गया। ये बताओ हरगा कि नशे की तरफ जो युवाओं का झुकाव आप देख रहे हैं वो मतलब कितना खतरनाक है आने वाले समय के लिए। पहले तो नशे के बारे में ये है कि नशे के लिए झुक क्यों रहे हैं, बात यह है उस रुझान क्यों बढ़ रहा है उनका, क्यों बढ़ रहा है फिर? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आदमी यहाँ तनाव में है, पढ़ाई में तनाव, आदमी का अपना लिविंग स्टेटस देख के एक दूसरे का तनाव है, अपना मानसिक वो हेल्थ का ध्यान नहीं देगा ना, मानसिक हेल्थ तो हमारे समाज में ऐसा है, मानसिक हेल्थ देखी नहीं जाती है हर किसी की। शारीरिक हेल्थ देखेंगे, चाहे वो खुद मोछ की उसे देखेंगे, ना कि मानसिक हेल्थ को। अगर कोई बेचारा पढ़ाई में कमजोर है तो उसे ये नहीं पूछेंगे कि तू कमजोर कौन से विषय में है, क्या है, घर वाले उसे ध्यान नहीं देंगे और मारो फतोड़ा कॉल, तू यश नहीं करना है उठने करना पढ़ है। अगर ये है मानसिक हेल्थ पहले है, अगर मानसिक हेल्थ शारीरिक हेल्थ दो चीजें होती है तो ये मेन कारण है। मतलब दूसरा कारण क्या है? जैसे का ये कारण लगा मेरे को जहां तक है ना, लेकिन ये कारण शौक, लेकिन पारिवारिक वो भी तो होना चाहिए, गाइडेंस भी तो होना चाहिए, बच्चा क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना। पारिवारिक गाइडेंस तो आदमी हर कोई कौन से अपने बच्चे को नशे के लिए कहेगा, कोई नहीं कहेगा, लेकिन ध्यान भी तो रखना चाहिए कौन क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है। यहाँ कहाँ इतने वो शिक्षित गार्जियन है यहाँ। दूसरी बात मानेंगे ना धान, अरे राजा धान का मानी नहीं जा, मानी नहीं कर धान तो तमाम लीजिए, लेकिन जवान ये हर का ये महट विलुप्त क्यों हो गई है, ये महट ये प्रॉब्लम है ना, महट को एक तो इसका मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो तो गौ गोबर है, मैंने तो कहा आजकल गौ पालन बंद कर दिया है। गौ तो और गोबर क्यों चाहिए इसमें? इसे रख रखाव के लिए, बांस को शाइनिंग के लिए, ये बांस जो है ना, बांस बेत। अच्छा। दूसरी बात मोहट में धान बांधने में थोड़ा ये मोहट के झूस लगने, तीसरी बात ये कंफर्टेबल भी नहीं हो जाता ले जाने में, एक जना तो एक जना इसको ले जाने के लिए चाहिए, इसके मेंटेनेंस का कितनी जरूरत वो होती है दिक्कत ना। तो जो जो ये बुनकर हैं उनका तो रोजगार छीन गया फिर इस तरह से, उसकी जगह ये तिरपाल ले लिया, रोजगार के उनके बदले में वो बना सकते हैं, बास्केट बना सकते हैं, टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए टोकरी बना सकते हैं, इधर की बांस की टोकरी, बांस का फर्नीचर बना सकते हैं। मोहट अगर वो कम ही हो रहा है तो दूसरे स्कोप भी तो देखेंगे, रिसर्च करेंगे ना, R&D। ठीक हो गया, तो अभी मैं चलता हूँ, इच्छा बलि चलो आओ वहाँ चलते हैं करवाते हैं। अरे मानेगी ना करवा खत्म हो गए। हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 13 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले आपने चाचा जी को सुना, हमारे चाचा हैं गांव के, उन्होंने कुछ कारण बताए कि युवा क्यों नशे की ओर बढ़ रहे हैं। एक जो बड़ा कारण उनका उन्होंने बताया और जिससे मैं भी एग्री करता हूँ कि मानसिक तनाव इन दिनों बहुत ज़्यादा है युवाओं को, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो चाहे रोज़गार के लिए हो। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन भी करने लगते हैं कि वो बंदा वहाँ पहुँच गया, उसने ये अचीव कर लिया, हमने ये नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं जो है मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इस वजह से भी लोग नशा करते हैं और नशा करके क्या होता है, आदमी रहता है घुप, तो फिर उसे दीन दुनिया से कोई ज़्यादा मतलब रहता नहीं। फिलहाल अभी खेत में हूँ दोस्तों अपने, और आज अपने जो हमारे धान है वो लास्ट है, मतलब फाइनल हो गया आज बड़ी मुश्किल से, हालांकि बड़ी देरी से हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के धान मानने बाकी हैं। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से किस किस के हैं। ये देखिए ऊपर एक थुपुड़ ये है और ऊपर भी कई लोगों के हैं, और कुछ लोग आज मान भी रहे हैं। बगल वाले एक छोटे से खेत में धान कटाई भी चल रही है, तो अभी है लोगों का, हम उतने भी नहीं पिछड़े हैं, लेकिन हालांकि थोड़े बहुत पिछड़ गए, बारिश की वजह से सबको दिक्कत आई है। फिलहाल एक छोटा सा गट्ठर भाई ले जा रहा है, मतलब छोटा क्या है ही, ठीक ठाक बड़ा ही है। ऐसे एक और मैं ले जाऊँगा, फिर सारा सामान चला जाएगा, पराली चली जाएगी, घर धान रह जाएंगे, 3 कट्ठे धान होंगे, फिर एक एक करके धान ले जाएंगे यहाँ से वहाँ ले जाने। वहाँ है गांव, देखो ये ऊपर
आराम से 1 किलोमीटर हो जाता है वहाँ से वहाँ। तो दोस्तों अभी बज गए हैं दोपहर के 1:30, सुबह 8:30 बजे खेत में आए थे और 1:30 बजे हमने आज का काम पूरा कर लिया है, बल्कि जो इस साल का धान मारने का काम होता है वो पूरा हो गया है हमारा। आज लास्ट था, एक लास्ट खेत बचा था, बस यही बूरा धान का बचा है, इसे मुझे घर ले जाना है। थोड़ी देर में इसे रखेंगे कंधे पर और सीधे चल देंगे घर को। बहुत अच्छा टाइप का लग रहा है, मतलब बढ़िया लगता है जब लास्ट दिन होता है ना धान वान मारने का, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम का लास्ट दिन होता है, लास्ट वाला पेपर होता है, उसको देने के बाद जैसा रिलैक्स फील होता है वैसे ही आज हो रहा है। ये है बोरा, इस बोरे को कंधे पर रखना है और ले जाना है। कुछ कुछ लोग हैं अभी खेतों में, ऊपर है ही अभी कुछ कुछ लोगों के धान। इस साल बारिश वारिश की वजह से बहुत लेट लतीफ हो गए इस काम में हम। फिलहाल इसको रखते हैं कंधे पर और ले जाते हैं ऊपर घाम, ऊपर घर जहाँ पर घाम आ रखा है, जहाँ मतलब धूप आ रखी है। यहाँ करीब 1 किलोमीटर हो जाएगा। भाई घोड़ों की रेल बना रखी है, सीमेंट जा रहा है शायद किसी का। यहाँ गांव में मकान बनाने में सबसे ज़्यादा खर्च जो होता है वो होता है ढलान में, सामान को ढोने में। यहाँ बन रहा मकान, ये मकान बन रहा देखो सबसे फ्रंट में, तो सबसे ज़्यादा खर्चीला होता है सामान ढोना। तो दोस्तों इस तरह एक बार फिर से गूगल बाबा ने हमको दे दिया है धोखा। खैर हमारा तो नुकसान नहीं हुआ लेकिन ताईजी लोगों का हो गया। वो मान रहे थे धान, मतलब उनके उनका जो सामान था खेत का वो घर में नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि एक कट्टा उनका ले आते हैं। मैं धान लेने गया लेकिन वापसी में बहुत तेज़ बारिश हो गई और देख सकते हैं मैं पूरा भीग गया हूँ। लेकिन धान का बोरा लाते लाते बहुत गर्मी भी हो रही, तो फिलहाल मैं नहा लेता हूँ क्योंकि फिर लगेगी ठंड, उसके बाद लगेगी ठंड। एक बार मौसम का हाल दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखो गूगल ने आज बताया था कि दिन भर धूप होगी, बढ़िया धूप, एकदम चटक धूप। सुबह तक तो हुई, मतलब दोपहर तक हुई, लेकिन शाम के टाइम अचानक से बादल उमड़े और बारिश हो गई। अचानक अचानक से बने बादल भी, ये नहीं कि आराम आराम से, आधे घंटे में बादल बने, 15 मिनट में बारिश हो गई, टाइम भी नहीं दिया लोगों को। फिलहाल नहा लेते हैं, देखते हैं बारिश कब तक होगी। वैसे तो बारिश मूसलाधार है, मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा देर होगी, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो दोस्तों अभी नहा धोकर कपड़े वपड़े बदल लिए हैं और बारिश लगातार हो रही है, आधा घंटा हो गया लगभग बारिश को। तो बारिश में क्या ही किया जा सकता है, चाय वाय बनाते हैं और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ आपको एक नई ब्लॉग के साथ कल सुबह पुनः 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और जहाँ भी हैं मस्त रहें। टाटा।